हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टाइल विद शालू। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है बिगनर्स के लिए बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप किट, जो कि प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं आपके फेस के लिए, कोई भी बुरे नहीं है अगर आप डेली वेज में यूज करोगे तो। मतलब प्रोडक्ट अच्छे ही होने चाहिए, क्योंकि डेली वेज में मेकअप यूज करने के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स ही होने चाहिए। आप कभी कभी कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो तो लोकल भी चल जाता है, बट अगर डेली में यूज करते हो तो वो अच्छे प्रोडक्ट्स ही होने चाहिए। तो उसी को लेकर मैंने आज एक मेकअप किट तैयार की है, जो मैं आपके लिए लाई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और आपके लिए अफोर्डेबल रहेगी। एक्चुअली में ये किट जो है मैंने उनके लिए बनाई है, जो कि डेली वेज ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं या फिर और भी वर्किंग वुमन हैं, तो उनके लिए ये वाली मेकअप किट है। और मैंने इनसे मेकअप भी करके बताया है कि ये कैसा लगेगा। तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है और आपको समझ आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भी मेकअप की वीडियोस देखने के लिए और भी जानकारी पाने के लिए मेकअप के बारे में। तो गाइस, आज का जो वीडियो है तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम यूज करते हैं टोनर, आप देख सकते हो। तो टोनर हमारे फेस के लिए गर्मियों में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे जो ओपन पोर्स है उन्हें भी फिल करता है ये, और हमारे फेस को बहुत ही ज्यादा मतलब ठंडक फ्रेशनेस भी देता है। तो फर्स्ट आप ये ले सकते हो, वादी हर्बल्स का है, 165 रुपीज का आपको मिल जाएगा नायका से, और 200 ml इसकी क्वांटिटी है। और सेकेंड हम लेंगे मॉइस्चराइजर, क्योंकि हमारे फेस के लिए मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा है। हमें ऑयली स्किन हो या कॉम्बिनेशन स्किन हो या फिर ड्राई स्किन हो, मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की शिकायत होती है कि हम फाउंडेशन यूज करते हैं तो हमारे पैचेस आ जाते हैं। गाइज, दो चीज अगर आप अच्छे से यूज करोगे तो आपके पैचेस कभी भी नहीं आएंगे। एक होता है प्राइमर, जो कि हमारे जैसे आप कभी क्या कहें, एक उसे बेस देता है, के स्मूथनिंग बेस देता है, तो वो उसका काम करता है प्राइमर, और आपके ओपन पोर्स जो होता है उन्हें भी फिल करता है। और जो मॉइस्चराइजर होता है वो आपकी स्किन पे जितने भी क्रैक्स वगैरह होते हैं पहले, तो उन्हें फिल करता है। तो इसीलिए आपका जो नीचे का बेस अगर ठीक रहेगा तो ऊपर का फाउंडेशन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, ये है वादी हर्बल का मॉइस्चराइजर, और ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, 65 रुपीज का आपको मिल जाएगा। मैंने नायका से लिया था, हो सका तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो यहाँ पर लिखा है ऑयल कंट्रोल, तो ये ऑयल भी कंट्रोल करता है, बहुत अच्छा है। मैं इसे यूज करती हूँ, हाईली रेकमेंड करती हूँ। ये किट जो मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। आप इसके अंदर जो मैंने यूज किए हैं प्रोडक्ट, वो 300 के अंदर अंदर प्रोडक्ट मैंने यूज किए हैं, और बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे, कोई भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप डेली वेज में मेकअप लगाते हो तो अच्छा मेकअप लगाइए। फिर आ जाते हैं हम सनस्क्रीन पे, और तो ये लैक्मे की मैंने सनस्क्रीन यूज की है, और ये 99 रुपीज का आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। आपको अगर आप बाहर जाते हो तो आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवनली आप ऑफिस में बैठते हो तो बहुत सारा एसी वगैरह चलता है तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर तो आप धूप में जाते हो तो आपको जरूर ही सनस्क्रीन अप्लाई करने चाहिए। सेकंड हम आ जाते हैं फाउंडेशन पे, तो आप देख सकते हैं ये है सबका फेवरेट मैबलिन फिट मी का फाउंडेशन, जिससे मेरा शेड है शेड नंबर 128, आप देख सकते हो। तो ये अच्छा है, बट ये आपको फुल कवरेज नहीं देगा और शेयर कवरेज देगा। और आप जैसे कॉलेज जाते हो या फिर ऑफिस जाते हो तो आपको फुल कवरेज मेकअप की जरूरत नहीं होती है, तो बहुत ही अच्छा आपको एक बेस दे देता है, और मतलब मैट फिनिश देगा इसमें भी। तो आप देख सकते हो, ये वाला फाउंडेशन आप यूज कर सकते हो। देन आईब्रो पेंसिल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ये मार्ट्स की आईब्रो पेंसिल है। और नेक्स्ट हम लेते हैं लाइनर, और लाइनर के लिए मैंने लिया है AYA का लाइनर, और ये मैंने परचेज किया था पर्पल से। गाइस, बहुत ही अमेजिंग वाटरप्रूफ लाइनर है, अगर आप महंगे पे जाना नहीं चाहते हो तो ये आप ले सकते हो, 150 रुपीज का आपको मिल जाएगा। इसका बॉन्ड भी इतना अच्छा है, और मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज किया है, तो आप देख सकते हो बहुत ही इजिली अप्लाई हो जाता है। तो कॉम्पैक्ट के लिए मैंने लिया है ये NYB का कॉम्पैक्ट पाउडर, और ये भी मैट फिनिश देता है, आप देख सकते हो, और ये आपको मिल जाएगा 180 रुपीज का पर्पल से। मस्कारे के लिए मैंने लिया है ये मार्स का मस्कारा, 150 रुपीज का है, बट अमेजिंग प्रोडक्ट है, इससे बहुत ही अच्छी लैशेस
आपकी कर्ल हो जाती है। तो आई शेडो के लिए मैंने लिया है ये हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट, और गाइज ये मल्टीपर्पज आई शेडो पैलेट है। आप इसको ब्लशर में भी यूज कर सकते हो, आई शेडो में भी यूज कर सकते हो। आप इससे आईज का जो मेकअप है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा लाइट भी कर सकते हो। उसमें सारे शेड है। अगर आप ज्यादा मतलब पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो ये वाला आई शेडो पैलेट ले सकते हो आप। इसके कलर पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी है कलर पिगमेंटेशन लाइट की भी और डार्क की भी। तो मैं आपको लाइट की भी जो मैंने शेड अपनी आंखों पे यूज किया है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा आई शेडो पैलेट है, आप इसे ले सकते हो। 200 रुपीज का इजीली किसी भी मार्केट में या फिर किसी भी इंस्टाग्राम स्टोर पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और लिपस्टिक जो मैंने यूज की है इस वाले मेकअप में, तो आप देख सकते हो ये है NYB का क्रेयॉन और बहुत ही प्यारा शेड है, न्यूड शेड है। तो न्यूड शेड ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए या फिर ऑफिस गोइंग वुमन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि लाइट मेकअप ही करते हैं ना इसीलिए। तो आप देख सकते हो ये वाला जो लिपस्टिक क्रेयॉन है ये आप यूज कर सकते हो। मैं मतलब वाटर प्रूफ या फिर लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं कहूंगी, बट हम इसे थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। तो वो कैसे बना सकते हैं, तो आप मेरा शॉर्ट वीडियो का हैक जरूर देखिएगा। इसे प्रोडक्ट जो है वो है NYB का मेकअप फिक्सर, क्योंकि हमें मेकअप को लॉक भी करना होता है ना, तो इसीलिए आप ये वाला जो फिक्सर है ये अपने किट में रख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और गाइस सब सामान तो हो ही गया है मोस्टली मेकअप किट में, तो ये जो दो ब्रशेस हैं ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं आपके लिए। तो आप इससे ब्लशर भी लगा सकते हो और आप इससे आई मेकअप भी कर सकते हो, देन इससे आप पाउडर भी लगा सकते हो और चाहो तो ब्लश भी लगा सकते हो। आप अपने मेकअप किट में ये दो ब्रश जरूर रखिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और पूरी की पूरी आपकी मेकअप किट तैयार हो गई है, तो इससे अब आपको मेकअप कैसे करना है तो वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो आइए हम देखते हैं।